कोरोना वायरस का संबंध वायरस एक के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है और इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था और WHO के मुताबिक बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है और ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और इसे लेकर बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। और ये वायरस दिसंबर में सबसे पहले चाइना में पकड़ में आया था और इसके दूसरे देशों में पहुँच जाने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी, छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं और कोरोना वायरस जब अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। COVID-19 नाम का ये वायरस अब तक 70 से ज़्यादा अधिक देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने का ज़रूरत है और ताकि इस फैलने से रोका जा सके। क्या है बीमारी के लक्षण? कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। और बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम, फ्लू में के वायरस में से इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को हो जाए तब तो इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाई दी जा सकती है और जब तक आप ठीक ना हो जाए तब तक आप दूसरों से अलग रहे। और कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है और इस साल के अंत तक इंसानों पर इसका लक्षण परीक्षण कर लिया जाएगा और कुछ अस्पताल एंटीवायरल दवा का भी परीक्षण कर रहे हैं। क्या है इसके बचाव के उपाय? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित साबुन स्क्रब का इस्तेमाल भी करना चाहिए और खांसी और छींकते समय नाक और मुँह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक ले। जिन व्यक्तियों को कोल्ड फ्लू के लक्षण हों उनसे दूरी बनाए रखें और अंडे, मांस के सेवन से बचें और जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। मास्क कौन और कैसे पहने? अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो आपका मास्क पहनना जरूरी होगा और जिन लोगों को बुखार, कफ और खांसी की तकलीफ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मास्क पहनने का तरीका। मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए, अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपका मुंह नाक और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढक जाए और मास्क उतारते समय मास्क की प्लास्टिक और फीता पकड़कर निकालना चाहिए, मास्क नहीं छूना चाहिए और हर रोज़ मास्क बदल दिया जाना चाहिए। कोरोना वायरस का खतरा कैसे करें कम? कोरोना वायरस से मिलते जुलते वायरस खांसी, छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं और अपने हाथ अच्छी तरह धोए और खांसते और छींकते वक्त अपना मुंह ढक ले और हाथ साफ नहीं हो तो आंखों और नाक और मुंह पर छूने से बचे। कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें? सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो और टैक्सी का यात्रा ना करें, घर में मेहमान ना बुलाएं, घर का सामान किसी और से ना मंगाएं, ऑफिस, स्कूल, सार्वजनिक जगहों पर ना जाएं। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरते और अलग कमरे में रहे और साझा रसोई या बाथरूम को लगातार साफ करें। 14 दिन तक ऐसा करते हुए रहे और ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। और अगर आप संक्रमित इलाके में आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है, अतः घर में रहें।